गुड आफ्टरनून सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सेफ हैं ये सब लॉकडाउन में, और आप सबकी कौन तबीयत कौन अच्छी है, है, आपकी घर की तबीयत अच्छी है, घर वालों की। कौन कौन है सर लाइन पे भी? इस ग्रुप में देखिए, हम जो ये जूम यूज कर रहे हैं, इसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में, हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। बस आप कंफर्म करिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको कहीं पर भी बीच में कुछ गड़बड़ है, मयंक का वीडियो नहीं आ रहा है तेरा? हाँ, एक मिनट से चेक करता हूँ। ओके, अभी हो गया। ओके मयंक, ठीक है। अभी जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे हम ऐड करते रहेंगे। मीनवाइल 2:15 हो गए हैं, हम हमारा सेशन अभी चालू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हमारा है, मतलब कि पहले से ही मैंने आपके साथ, आप सबसे डिस्कस कर लिया था और ग्रुप में भी डाला हुआ है। हमारा टॉपिक है आज का तारीख में, टॉपिक फॉर कॉमन फेलियर्स इन ओएफसी इक्विपमेंट्स। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली ओके लॉकडाउन के केस में एक रिसेंट हमारा फेलियर हुआ था, एक आणंद विद्यानगर में एक रिसेंट फेलियर हुआ था, आणंद बड़ौत के बीच में, और गोधरा में भी कुछ बीच में फेलियर्स चल रहे थे जिसके लिए प्रवीण और गोडसे साहब कंटिन्यूस मेरे साथ मॉनिटरिंग में थे। अभी ये जितने भी फेलियर्स हुए उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमको एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझाया, हम बताया नहीं गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की जैसे अभी जो रिसेंट हमारा ओएफसी का फेलियर हुआ था आनंद और बड़ौद के बीच में, वहां पर टेस्ट रूम से ये इंफॉर्मेशन मिला था कि बाजवा और रनौली के बीच में फेलियर है। अभी एग्जैक्टली फेलियर कहीं और था, बाजवा रनौली के बीच में सिर्फ एक यूटीएस का चैनल डाउन था और बाजवा से लेके आनंद तक के वेबफिल के वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, जिसके बेसिस पे हमको टेस्ट रूम ने ऐसा बोल दिया कि फेलियर बाजवा रनौली में, परंतु फेलियर कहीं और था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है कि हम प्रॉपरली फॉल्ट एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए अच्छा मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, आ रही बागेला भाई, मूर्ति भाई, मूर्ति है। भाई को आ रही है? ये मुरगन भाई। ओके हाँ, आवाज आ रही। ओके ठीक है। अभी सर स्टार्ट हो गया क्या? अभी बाकी है करने का? नहीं, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है ना, 2:15 का हमारा सेशन था, पर अभी जैसे जैसे धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे वैसे वैसे हम उनको ऐड करते जाएंगे। अभी फिलहाल हम स्क्रीन पे टोटल हम 8 लोग ही ऐड हुए हैं, इसलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर हमारा फेलियर का एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने ये सेशन इसलिए लिया क्योंकि तो उस टाइम पे दोनों जगह पर हमारा फील्ड स्टाफ भी परेशान रहा और टेस्ट रूम का भी स्टाफ परेशान रहा। पर अगर हम टेस्ट रूम के स्टाफ के साथ और हमारा खुद का थोड़ा सा कोलैबोरेशन बना लें और हम उनसे एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इस तरीके से बना लें कि हम हमारे लेवल पर एक बार चेक करा लें। अभी जैसे कि वागेला भाई को डायरेक्ट टेस्ट रूम ने फोन कर दिया था कि बार बार उन्होंने का फेलियर है। अब उन्होंने ये कैसे एनालाइज किया कि आनंद से प्रताप नगर के बीच में कहीं पर भी वेबफिल के वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, करेक्ट, और बाजवा रनौली के बीच की यूटीएस की चैनल डाउन थी, उसके बेसिस पे डायरेक्ट उनको कुछ सोचे समझे बिना बता दिया गया कि बाजवा रनौली के बीच में या तो करछिया के बीच में प्रॉब्लम है। अब बेसिकली करछिया, रनौली और बाजवा पहले से ही एक हॉटस्पॉट है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है टेस्ट रूम वाला तुरंत बोल देता है कि फेलियर वहीं पर ही है और फेलियर कहीं और ही निकलता है। तो ये सबसे बड़ा एक इश्यू था कि मतलब मैंने सोचा कि इसी चीज को हम एड्रेस करें। अभी मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ कि तब क्या हुआ। बाजवा रनौली में बता दिया वागेला भाई को, तो सुबह 3 बजे से बता दिया कि बाजवा रनौली के बीच में प्रॉब्लम है। अब लॉकडाउन के केस में भी
वाघेला भाई और जो हमारा दूसरा कराचा का स्टाफ था वो बाजवा रनोली जाने के लिए निकल गया। अब रात को जोशी भाई का मेरे पे फोन आया तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे पूछा कि और क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन्होंने जब मेरे पूछने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया कि और भी यूटीएस के लिंक्स डाउन है और वॉइस के भी चैनल्स डाउन है। अभी हम फेलियर को कैसे पकड़ सकते हैं कि मतलब कहां पर हम उसको रेक्टिफाई करें। देखिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, ये हमारा यूटीएस का जो चैनल है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये यूटीएस के चैनल का स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। गोसे साहब, मयंक, बिल्कुल सर दिख रहा है। ओके अभी देखिए ये हमारा आनंद गोधरा वाला जो यूटीएस का जो ओएसपीएफ का डायग्राम है ये। अब उस टाइम पे बाजवा और रनोली, मतलब ये बाजवा और रनोली ये जो चैनल थी वो पहले से दो दिन पहले से ही डाउन चल रही है। अब वाघेला भाई ने जिस टाइम पे स्टाफ को डेप्यूट किया और स्टाफ जब वहां पे पहुंचा तो टेस्ट रूम की तरफ से ये कहा गया कि अभी यूटीएस तो चल नहीं रहा है तो उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड जरा, दो लोग आ रहे हैं, मैं उनको ऐड कर लूं। तुषार आया है। तो बाजवा रनोली का चैनल पहले से ही डाउन था। अभी जब मैंने उस टाइम नाइट में जोशी भाई थे और जोशी भाई से जब मैंने पूछा तो बाद में उन्होंने बताया कि आनंद से लेके प्रताप नगर, आनंद से कनेक्टेड जितने भी यूपीएस के चैनल्स है वो भी डाउन। एयरपोर्ट आवाज नहीं आ रहा। हेलो, किसको आवाज नहीं आ रहा? मैं आवाज आ रहा है? आ रहा है सब बराबर है। अभी नहीं होगा तो मैं बोलूंगा। ऐसा आवाज आएगी, आवाज नहीं आ रहा। एक कोई नया जॉइंट हुआ है ना उसको शायद। अच्छा कोई नया जॉइंट हुआ है उसको आवाज नहीं आ रही है। तुषार आवाज आ रही है? तुषार आवाज आ रही है? तुषार आवाज आ रही है? कोई जवाब नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, हम हमारा चालू रखते हैं। ओके, अब आपको ये हमारा ओएसपीएफ का डायग्राम दिख रहा होगा। हेलो, दिख रहा सर? दिख रहा है बिल्कुल सर, मिल रहा है। हाँ, अभी इसमें जब उन्होंने बताया कि आनंद और वड़ोद का भी चैनल डाउन है, उसके बाद हम उस चीज को रेक्टिफाई कर पाए कि मतलब एग्जैक्ट प्रॉब्लम बाजवा रनोली का नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारा आनंद और वड़ोद के बीच में। क्योंकि आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आनंद वड़ोद का एक चैनल डाउन था, आनंद बासत का एक चैनल डाउन था, आनंद बाजवा का एक चैनल डाउन था, है ना। और इसी तरीके से मतलब कि जब हम टेस्ट रूम को मदद मांगते हैं कि भैया ये डायग्राम्स हमको बता के दिखाइए कि एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो हम उसका फेलियर पकड़ सकते हैं। अभी अगर उस टाइम पे हमने टेस्ट रूम के साथ कोलैबोरेट करके ये नहीं कहा होता कि चलिए मुझे बताइए कि और क्या क्या फेलियर इंडिकेशंस है, तो हम उस चीज को टैकल ही नहीं कर पाते और वो हमारा फेलियर और प्रोलॉन्ग होता। इसलिए जब भी हमें कोई ओएफसी का फेलियर मिलता है तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस में कैसा होता है कि हम वेबफिल के एनएमएस के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि वेबफिल के एनएमएस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब एक पर्टिकुलर पूरे पैच के अंदर आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास नेट पे अवेलेबल है, जिसके लिए अच्छा अभी चावला सर आपको आवाज आ रही है? चावला सर आवाज आ रही है?
टेस्ट रूम इंचार्ज चावला सर भी हमारे साथ हैं, बट उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। चावला सर आवाज आ रही है? ये तकलीफ है शायद इस एप्लीकेशन में, जो चावला सर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है, शायद तुषार भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। ठीक है सर, कंटिन्यू करो। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मतलब कि कुछ केसेस में क्या होता है कि वेफिल के एनएमएसबी टेस्ट रूम में हमें ये प्रॉब्लम दे देता है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर पैच के अंदर आप मतलब कि वोल्टेज शो करना बंद कर देता है, तो जिसकी वजह से टेस्ट रूम भी एक तरह से हैंडीकैप हो जाता है कि हम वहां पर कौन से फेलियर इंडिकेशंस कौन से मक्स पर आ रहे हैं वो नहीं देख पाते। अब जैसे उस दिन के फेलियर में यही हुआ कि आड़न से बाजवा तक के जितने भी वेफिल के इक्विपमेंट्स थे सब नॉन रिस्पॉन्डिंग हो गए। उस केस में क्या किया जाए? अब उस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो हम पहुंचे स्टेशन पर, मतलब जैसे मैं आनंद में स्टाफ को भेजता हूँ, ठीक है ना। अब वो तो चलिए किस्मत अच्छी है कि आनंद में मेरा कॉलोनी में स्टाफ रहता है, बट उन कंडीशंस में क्या करेंगे कि जहां पर ऐसे ऐसे सेक्शन में फेलियर हुआ है कि मतलब आप स्टाफ को नहीं भेज सकते। जैसे लॉकडाउन के केस में अभी स्टाफ मूवमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास रेनेट के ऊपर जितने भी एनएमएस अवेलेबल है, जैसे यूटीएस का एनएमएस है, फिर आपका वॉइस का एनएमएस है, तो ये दोनों एनएमएस से हेल्प लेकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज में किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है? मान लो के दोनों एनएमएस फॉल्टी हो जाता है, मतलब दोनों एनएमएस काम नहीं करता है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों एनएमएस मतलब आपका वेफिल का भी और साथ में यूटीएस और वॉइस का भी। हाँ, ऐसे केस में तो फिर आपको वहां पे फील्ड पे जाना ही पड़ेगा ना। पर ये तो क्या है कि प्राइमरी बेस पे कि जब तक हम स्टेशन पे अपने ही ऑफिस में रहके या घर पर रहके टेस्ट रूम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम जो रेलनेट पे एनएमएस अवेलेबल है उस चीज से हम फेलियर एनालिसिस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है सर। हां, ऑर्डिन का एनएमएस तो है, ऑर्डिन का एनएमएस टेस्ट रूम में लगा है, पर उस टाइम पर वो एनएमएस चालू नहीं था, एलसीटी उस टाइम पे चालू नहीं थी। फिर क्या हुआ कि जोशी भाई से जब हमने ये फेलियर एनालिसिस किया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आनंद और वड़ोद के बीच में है, उस टाइम पर जोशी भाई से मैंने वो एनएमएस चालू करने का रिक्वेस्ट किया। जोशी भाई ने वो एलसीटी चालू किया और वड़ोद में उन्होंने चेक किया, तो वड़ोद में आनंद साइड का जो ट्रांस था वो वड़ोद में रिसीव नहीं हो रहा था। इसका मतलब आनंद और वड़ोद के बीच में एक फाइबर ब्रेक था। आनंद में ट्रांस से दोनों बराबर मिल रहा है, बट वड़ोद के अंदर आनंद साइड का जो रिसीव है ना वो लो रीडिंग बता रहा था, मतलब कि कोई एक फाइबर ब्रेक था। तो उस टाइम पे फेलियर ये था कि आनंद और वड़ोद के बीच में एक फाइबर ब्रेक होने की वजह से तो जो पूरा सिस्टम था वो हमारा बंद हो गया था। ठीक है, अब उस टाइम पे रेलटेल का भी कोई फेलियर नहीं था, इसलिए हम ये चीज भी नहीं पकड़ पाए थे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अभी हाँ गोसे सर कुछ पूछ रहे हैं। इस कंडीशन में या तो कंट्रोल में या टीपीसी में रिंग मार के भी चेक किया जा सकता है कहां तक घंटी जा रही है, कहां तक नहीं जा रही है। उस केस में क्या हो रहा था, उस दिन के फेलियर में प्रोटेक्शन पाथ चालू था और प्रोटेक्शन पाथ के ऊपर प्रोटेक्शन पाथ के ऊपर आरसी टीपीसी और कंट्रोल तीनों में से किसी में भी कोई फेलियर नहीं। बस फेलियर यही था कि यूटीएस के चैनल्स डाउन थे और जो प्रताप नगर से आनंद तक की जितने भी मक्स थे वो नॉट रिस्पॉन्डिंग थे। अब उसमें क्या हुआ कि आनंद से वड़ो साइड की जब इवन हमने फिजिकली कटवाई, वो फिजिकल कटवाने के बाद प्रोटेक्शन पाथ से जितने भी ये वेफिल थे वो हमारे एक्सेस होने चालू हो गए।
अच्छा मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, आनंद से लेके गैरतपुर तक के जितने भी वेबफिल थे वो एक्सेस नहीं हो रहे थे, आनंद से वड़ो तक नहीं, के तो नहीं हो रहे थे। वड़ो तक तो सब वन वे चलेगा, आगे नहीं जा रहा था। आगे नहीं जा रहा था। हाँ प्रवीण बोल। वो क्या है सर, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, कोई भी एनएमएस काम नहीं कर रहा है तो ऑटोफोन पे घंटी मार के चेक कर सकते हैं। ऑटोफोन में कैसा है, आनंद के अंदर टोटल 3 PR नहीं मिलेगा। नहीं वैलिड क्वेश्चन है मयंक, वैलिड क्वेश्चन है। आनंद के अंदर टोटल 3 PR है, एक है बड़ोड़ा पी के साथ, एक है मुद्रा के साथ और एक है प्रताप नगर के साथ। अभी सिंगल फाइबर जब ब्रेक था उस टाइम पे प्रताप नगर और बड़ोड़ा पी तो डिस्कनेक्टेड था, इसलिए अगर आप आनंद से प्रताप नगर या बड़ोड़ा पी भी रिंग मारते हैं तो वो वाया गोधरा होके प्रताप नगर होके बड़ोड़ा पी या प्रताप नगर में लगता है, इसलिए ऑटो फोन के ऊपर भी रिंग मारना उस टाइम पर एक वैलिड जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन है वो नहीं। सर PRI जो है ऑटो कनेक्ट है, सॉरी चेंजओवर होती है, ऑटो चेंजओवर उसका प्रोग्रामिंग उसका प्रोग्रामिंग इस तरीके से किया गया है कि जितने भी PRIs है वो सारे ऑटो चेंजओवर। अब जैसे कि एक एक एग्जांपल मैं तेरे को करछा का देता हूँ, करछा के अंदर एक ही पाथ है, ठीक है, करछा से रनौली, रनौली से प्रताप नगर बड़ोड़ा पी। अब करछा के अंदर प्रताप नगर और बड़ोड़ा पी 2 PRI, अभी वहां पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार बड़ोड़ा पी की PRI हैंग हो जाती है। तब क्या होता है कि अगर आप प्रताप नगर ये करछा के अंदर या बड़ोड़ा पी के अंदर सीमन को काट दे तो वाया प्रताप नगर हो गया बड़ोड़ा पी कॉल जाता, इसलिए ये जितना भी PRI है वो PRI का प्रोग्रामिंग करना पड़ता है और वो ऑटो प्रोग्राम भी होता है कि अगर बाय चांस ये पाथ नहीं मिलता तो वो सेकेंडरी पाथ से होकर आ। हाँ वगैरह सर, मान लो के दोनों NMS काम नहीं कर रहे हैं तो क्या डाटा लॉगर वाला NMS से पॉसिबिलिटी है सेक्शन एक्टिवेट करने के लिए? वैलिड क्वेश्चन, पर अगर दोनों NMS काम नहीं कर रहे फिजिकल पाथ की वजह से, ये ना फिजिकल पाथ की वजह से, तो उस केस में डेटा लॉगर को हम चेक कर सकते हैं क्योंकि डेटा लॉगर एक प्रोटेक्शन पाथ है, पर आनंद से लेके प्रताप नगर के बीच में हम नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आनंद से लेके प्रताप नगर के जितने भी डेटा लॉगर है वो भी मेन केबल पे चलते हैं सिवाय करछा के, क्योंकि करछा प्रताप नगर का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, पर आनंद से लेके जो बाजवा तक जाता है वो आनंद से बाजवा आपका टोटल मेन केबल पे जा, इसलिए उस चीज को हम मेन केबल होने की वजह से हम वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। भाई और कोई डाउट? नहीं, मैं डाउट तो ऐसा है कि साहब जो अभी कनेक्टिविटी दिया है 2 Mbps की थ्रू OFC है ना, कहां पर डाटा लॉगर की स्टेशन के नाम बोलिए। मान लो कि प्रताप नगर से आनंद, प्रताप नगर उसकी कोई कनेक्ट आनंद उसका कोई कनेक्टिविटी है, मतलब 2 MB की OFC की कनेक्टिविटी है कि नहीं है? 2 MB का फिलहाल नहीं है, 2 MB का कनेक्टिविटी एक करछा के साथ है, एक नड़ियाद के साथ है, एक गैरतपुर के साथ है, इसलिए जो 2 MB डेटा लॉगर वाला कनेक्टिविटी है उस चीज को हम नहीं देख सकते, पर प्रताप नगर गैरतपुर के बीच में एक 64 KBPS का चैनल है जो प्रोटेक्शन पाथ से चलता है, इसलिए अगर बाई चांस। हाँ तो सर प्रताप नगर से नड़ियाद की जो कनेक्टिविटी है तो उस टाइम वो फेल बताती होगी, अगर जब फेलियर हुआ तो फेल बताता है, मतलब फाइबर का प्रॉब्लम हुआ जस्ट लाइक OFC फेलियर हुआ ना, तो वो प्रताप नगर से नड़ियाद का तो मतलब जो कनेक्टिविटी है वो तो फेल बताती होगी। पर आप सेक्शन कैसे वेरीफाई कर पाओगे? प्रताप नगर से लेके नड़ियाद के बीच में आपके कम से कम 8 से 9 स्टेशन आते हैं, 8 से 9 भी नहीं 12 स्टेशन आते हैं, तो आप 12 स्टेशनों के बीच में कैसे वेरीफाई कर पाओगे कि कौन से पर्टिकुलर स्टेशन पे आपका फेलियर है? हाँ प्रवीण आ रही है। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, पर आपको शायद अब भी आपकी आवाज आनी चालू हुई है। चलो सर प्रवीण एक मिनट। सर मैं सर फिजिकल चावला सर कुछ बात करना चाह रहे हैं।
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रताप नगर से निर्यात की कनेक्टिविटी मतलब 2 Mbps की OFC में है और फिजिकल हमारा जो सेक्शन फिजिकल है वो तो टेस्ट रूम वाला मतलब रेक्टिफाई कर सकता है मतलब रिंग देके जहां तक का संभव है मतलब OFC जहां मिल रही है वहां तक तो वो मतलब रिंग देके तो टेस्ट कर सकता है इसके बाद का जो सकता है रिंग देके टेस्ट कर सकता है अगर आपके फाइबर में सिंगल मतलब कि एक कहीं पर एक ही फेलियर तो आपका प्रोटेक्शन पाथ से तो आपका कर्सर के चलता ही रहेगा ना। हाँ तो उसको पहले प्रोटेक्शन काटना पड़ेगा। हाँ वो प्रोटेक्शन काटना पड़ेगा उसके बाद हमको पता चलेगा कि एक्चुअल फेलियर कहाँ पर आ रहा है। यस सर। हाँ प्रवीण कुछ कह रहा था। सर मैं वही कह रहा था कि जो डाटा लॉगर की वगैरह की बात कर रहे हैं डाटा लॉगर के मैक्सिमम सर्किट जो है अपने प्रोटेक्शन में रहते ही है। हाँ एक साइड कटेगी तो सेकंड साइड स्टैंड लगा होगा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपका नॉर्मल पाथ फेल हुआ तो प्रोटेक्शन पाथ तो चलेगा क्योंकि डेटा लॉगर का हमारा प्रोग्रामिंग ही ऐसा। हाँ आप ये कर सकते हैं कि जैसे बेस स्टेशन के हमारे ऑटो टेलीफोन है ना बेस स्टेशन के ऑटो टेलीफोन पर अगर आप रिंग मारेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे फेलियर है। बट उसी दिन का मैं आपको दूसरा भी एक फेलियर बताता हूँ। अभी क्या हुआ कि फेलियर आपका हुआ आनंद और वड़ौद के बीच में हमारे स्टेशनों के ऑटो फोन चलते हैं बड़ोड़ा पी से तो बड़ोद का कनेक्टिविटी बड़ोड़ा पी के साथ एकदम परफेक्ट था बट उस टाइम पे बड़ोद अड़ास और वासत ये तीनों स्टेशन के ऑटो फोन काम नहीं कर रहे थे। वो क्या रीजन था वो मैंने चावला सर से बात कर लिया था और उन्होंने जो वेफिल के प्रोग्रामिंग के जो फॉल्टी है फॉल्टी बी रिमोट है रिमोट बी बाईपास जितने टेबल्स है उसको चेक करने की जरूरत है क्योंकि जैसे ही आपका फाइबर नॉर्मल हुआ आनंद बड़ोद का फाइबर नॉर्मल हुआ वैसे ही ये तीनों स्टेशन के ऑटोफोन काम करना चालू कर दिए। इसलिए ऑटोफोन पे रिंग मारना भी एक वैलिड टेस्टिंग नहीं है क्योंकि हम ये कंफर्म नहीं है कि क्या हमारे रिमोट है रिमोट भी फॉल्टी है फॉल्टी भी टेबल है वो बराबर है कि नहीं। अब उस टाइम पे चावला सर ने उसको चेक किया और जितने भी वहां पे टेबल्स उन्होंने चेक किए प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ नहीं थी। अब भी हमको यही समझ में नहीं आया कि फिर वो ऑटोफोन क्यों नहीं चले। इसलिए ये एक जांच का विषय है। अब अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई फेलियर आता है तो हमको पता चलना चाहिए कि मतलब ये फेलियर क्यों हुआ। हाँ प्रवीण वो सर जो प्रताप नगर पे जो अपना वेबफिल का प्रोग्राम है ना वो ऐसा बनाया गया है कि जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेशन जो है प्रताप नगर लेना है NMS में वो फर्स्ट स्टेशन जो है ना वो गर्लपुर को लिया हुआ है एक बार चेक करवाना आप उसमें बिल्कुल उल्टा है वो नहीं वो मुझे भी पता है तो फॉल्टी भी ले लिया है नहीं वो एग्जैक्टली क्या इश्यूज हैं वो पहले से मेरे को पता है जब सोमा मैडम टेस्ट रूम इंचार्ज थे मैं उस टाइम पर भी उनको बोला था कि अगर मैडम उसको करना है तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे को हर जगह पे प्रोग्रामेटिकली इवन का जो KLM है उसको ही चेंज करना है वो एक चर्चा का विषय है वो बाद में हम चावला सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ मैं कुछ कह रहा था बस सर यही कुछ नहीं ओके अरे बीच-बीच में सर आपका बैंडविड्थ का पता नहीं मेरे को सर वेज वन क्वेश्चन आउट सर हाँ बोलिए ना लास्ट मंथ में सर एक अपना सेक्शन में TC गैरतपुर सेक्शन में फेलियर हुआ था और जस्ट लाइक वाटर बोटिंग हाउलिंग नॉइज फेलियर ओके 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 हाँ ठीक है हाँ वो जो मोटर बोटिंग या हाउलिंग नॉइज जो होता है वो किस उसको मतलब क्या रीजन है क्योंकि वो उस टाइप का ट्रांसमिशन में फेलियर आता है। ओके एक वैलिड क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं बताना भूल गया कि कभी कभार जैसे प्रवीण को भी ये प्रॉब्लम्स आए हैं बोर्से साहब को भी ये प्रॉब्लम्स आए हैं और मतलब कि कंट्रोल में या TPC में जैसे फटाके फट रहे हैं कभी कभार इस टाइप का वॉइस आता है
देखिए बेसिकली मोटर बोटिंग, मोटर बोटिंग हाँ भाई भाई मतलब फटाके फट रहे। अब ये होता है बेसिकली क्लॉक की वजह से, क्लॉक इज द मेन कल्प्रिट इन दिस। अच्छा फाइन, अभी हमारा किस तरीके का सेटिंग है कि जितने भी लॉन्ग हॉल इक्विपमेंट है रेलटेल के, उन लॉन्ग हॉल इक्विपमेंट से हमने क्लॉक डिराइव किए और उस क्लॉक को फिर बाद में हमने हमारे शॉर्ट हॉल इक्विपमेंट्स में दिया हुआ है। फाइन, अभी जैसे कि लॉन्ग हॉल इक्विपमेंट्स हमारे एक है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रताप नगर, पहला लॉन्ग हॉल इक्विपमेंट हमारा है प्रताप नगर में एसटीएम 16 रेंटल का तेजस का, फिर आता है आनंद में, फिर आता है अहमदाबाद में और एक आता है गोधरा। फाइन, प्रताप नगर में माइक्रो के अंदर जो एसटीएम 16 है उसका जो क्लॉक है उसका क्लॉक हम वासत तक डिराइव करते हैं और ब्रांच लाइन कठाना बोचा से। आनंद का जो क्लॉक है, आनंद का क्लॉक हम अड़ास से लेके आनंद तक और इधर ठासरा तक और इधर खंबात तक, इस तरीके से हम डिराइव करते हैं। महमदाबाद को जो क्लॉक है वो गैरतपुर से लेके बोरियावी तक हम डिराइव करते हैं और गोधरा का जो क्लॉक है, गोधरा की क्लॉक हम अंगाड़ी तक लेते हैं और उधर खरसालिया को डिराइव करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं उस टाइम पर रेलटेल के एक्सटर्नल इक्विपमेंट से, मतलब कि रेलटेल के लॉन्ग हॉल इक्विपमेंट से हमने जब जो भी क्लॉक डिराइव की हुई होती है उस टाइम पर खुद रेलटेल के इक्विपमेंट्स में ही क्लॉक मिसमैच हो जाती है। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम बहुत बार आया है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आया है उस टाइम पर रेलटेल का जो क्लॉक है वो किसी एक जगह पर फेल हो जाता है और बाकी चार, जैसे चार जगह आप लोग प्रताप नगर में मैं सिर्फ ऑर्डिंग के कंसर्न में बात करूंगा, मैं फिपकॉम के कंसर्न में बात नहीं करूंगा बिकॉज फिपकॉम का एक अलग पूरा नेटवर्क है। एक प्रताप नगर में लॉन्ग वाल इक्विपमेंट है, गोधरा में, आनंद में, अहमदाबाद में, चार जगह पर। अब जो आप वाघेला भाई बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब भी आपका क्रैकलिंग नॉइज आता है तो क्रैकलिंग नॉइज के टाइम पे सबसे पहले मैं उस लोकल इक्विपमेंट का क्लॉक चेक करता हूँ, अगर उसका क्लॉक परफेक्ट है फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारा डाउट जाता है वहां की लोकल वायरिंग। ठीक है, आपको याद हो तो जब भी ऐसे फेलियर्स आते हैं तो मैं सबसे पहले एनएमएस चेक करने के बाद आप लोगों को वहां की लोकल वायरिंग चेक करने को बोलता हूँ। करेक्ट, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको याद हो तो वासन में आया था कि जिसमें बी साइड में या ए साइड में एक वायर का कुछ शोल्डर लूज था जो आपने उसको चार्ज ठीक करवा के नॉर्मल करवा दिया, बराबर। इसलिए मैं एक फिजिकल वायरिंग को ठीक करने का भी एक जोर देता हूँ। फिजिकल वायरिंग अगर ओके है उसके बाद ही मेरा डाउट हमेशा लॉन्ग वाल इक्विपमेंट की क्लॉक पे जाता है। और जितने हमने इस टाइप के फेलियर्स देखे हैं उसमें मतलब कि ऑलमोस्ट 60-70% फेलियर्स उन्हीं क्लॉक का आते हैं। उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में जो फेल क्लॉक हो जाती है उस क्लॉक को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और आनंद की जो क्लॉक है उसी क्लॉक को मैं प्रताप नगर तक डाइवर्ट करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी क्लॉक जो हमारी फेल हो गई या मिसमैच हो रही है तो उस क्लॉक को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो जैसे ही हम उस क्लॉक को हटा देते हैं वैसे ही हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट नॉर्मल हो। पर ये क्या कभी कभार ही प्रॉब्लम होता है और जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम हुए हैं उस टाइप पे खेमसिंग से बात करने पे पाया गया है कि जिस इक्विपमेंट का क्लॉक फेल होता है उस इक्विपमेंट में हैवी लॉसेस बढ़ जाते हैं। अब वो तो हमारा हेडेक है नहीं, बट फेलियर तो हमारा है, सॉल्व किसको करना है, हमको ही करना है। क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड से या टेस्ट रूम से। ठीक है, इसलिए ये एक प्रैक्टिकल इश्यू है जो मैं फेस करता हूं और इसी चीज को ठीक करने के बाद हमारा सारा सिस्टम चालू होगा। हाँ प्रवीण सर, मेरे पास ऐसा कई बार फेल रहा है ट्रेवलिंग नॉइज का। हाँ, पर अभी नहीं आता होगा, अभी नहीं आता होगा, अभी नहीं आता है। हाँ, क्योंकि जो तेरा गोधरा वाला इक्विपमेंट था ना, सुन हाँ। जो गोधरा वाला इक्विपमेंट था ना, जो हमने एक्सटर्नल क्लॉक लिया था हाँ। है ना, वो एक्सटर्नल क्लॉक हमने काट दी है
और अभी गोधरा के अंदर आपका एक इक्विपमेंट डायरेक्ट एक रेलटेल के पोर्ट के साथ कनेक्ट है ना? एक मिनट, एसएससी टेस्ट रूम कनेक्ट हो रही है इसलिए जो एक्सटर्नल क्लॉक हमने गोधरा में लिया था उस एक्सटर्नल क्लॉक को हमने सेकेंडरी इसमें ले लिया। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि फेलर टाइम पे हमने जो एसएफपी चेंज करके फेलर राइट किया है वो एसएफपी का प्रॉब्लम था या फिर एसएफपी के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक एसएफपी का जेन्युइन प्रॉब्लम तुम्हारे गोधरा में था वो गोरसे साहब ने और नीलेश ने मिलकर शायद ठीक कर लिया है। एसएफपी के प्रॉब्लम हमारे आनंद में भी निकले हैं इसलिए एसएफपी के कुछ प्रॉब्लम्स जेन्युइन होते हैं। अच्छा अब आपको ऐसा लगता होगा कि मैं एसएफपी, हाँ प्रवीण मेरे पास सर एसएफपी का प्रॉब्लम तीन बार आ चुका है। मैं तेरे को याद कर रहा हूँ, एक अंगाड़ी में आया था, एक अंगाड़ी में आया था जिसमें मैं सुबह सुबह तेरे वहां पर आया था आगे ना, एक आया था एक वावड़ी खुद में आया था। हेलो प्रवीण, हाँ सर वावड़ी से पहले एक बार एक ठासरा में आया है। एक ठासरा वाला मेरे नॉलेज में नहीं है बट एक वावड़ी का और एक गोधरा का। हाँ क्योंकि मेरे पास एसएफपी थी तो मैंने कर दिया था वो है ना। तो वो मेरे नॉलेज डाकोर में आया था करीब दो साल पहले, डाकोर में भी आया था कंटिन्यू 10 दिन चला था। नहीं वो मेरे ध्यान में नहीं है। अच्छा पर मैं एसएफपी के फेलियर्स भी कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। एसएफपी के फेलियर्स क्या रहते हैं कि सबसे पहले जब भी आपका एसएफपी का कोई भी इश्यू रहता है तो आप सबसे पहले उसमें ट्रांस पावर और रिसीव पावर चेक करते हैं एनएमएस के ऊपर, ठीक है। अगर आपके ट्रांस पावर और रिसीव पावर वैलिड पॉइंट्स में है तो फिर बाद में उसमें एक ट्रेस आइडेंटिफायर आपको आता है। अगर आपको ख्याल हो तो आइडेंटिफायर ट्रेस आइडेंटिफायर एक होता है, वो ट्रेस आइडेंटिफायर भी अगर मिसमैच होता है तो वो भी एसएफपी का ही केस होता है। अच्छा अब मैक्सिमम मुझे ऐसा बोला जाता है कि कार फॉल्टी हो गया ओएसटी कार्ड, बट 99% केसेस में ओएसटी कार्ड का इश्यू नहीं होता, सिर्फ एसएफपी का प्रॉब्लम होता है। आप एसएफपी चेंज कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा अब एक जगह में मैंने कैसा फेलियर पकड़ा था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है ना आइदर वो फिपकॉम है या ऑडिन है या अभी तेजस लगेंगे, तेजस का पता नहीं पर फिपकॉम और ऑडिन की बात करूं तो ये हमारे शॉर्ट हॉल इक्विपमेंट्स है। तो हमारी जो भी एसएफपी है वो एसएफपी S.1.1 S.1.1 वो शॉर्ट हॉल वाली एसएफपी होनी चाहिए। अब ज्यादातर लोग लॉन्ग हॉल वाली एसएफपी लगा देते हैं। अच्छा अब कहीं कहीं पर उसकी वेवलेंथ का भी गड़बड़ हो, हमारे ये जो इक्विपमेंट है वो 1310 में काम करते हैं और मैंने एक जगह पर एसएफपी देखी थी 1550, ठीक है ना। तो वो 1550 वाली एसएफपी भी अगर आप डालेंगे तो आपका फेलियर आना ही आना, ठीक है। इसलिए आपका जो ये वेवलेंथ है एसएफपी की वो एसएफपी की वेवलेंथ भी सही होनी चाहिए। जैसे आपका 1310 है तो आपको 1310 ही रखना है, आपको 1550 वाला इसमें यूज नहीं करना। तो जब भी आप एसएफपी भी चेंज करते हैं तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि वो शॉर्ट हॉल की एसएफपी हो। अच्छा शॉर्ट हॉल की एसएफपी भी आप कैसे डायग्नोस करेंगे, एसएफपी के ऊपर लिखा होता है 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर, हमको शॉर्ट हॉल के लिए 20 किलोमीटर वाली एसएफपी यूज करनी है। अच्छा वो भी हमको डिपेंड करता है कि मतलब हम 20 या 40 कौन सी सिलेक्ट करें। अब आपका सेक्शन का लेंथ कितना है, अब मेरा सबसे लंबे में लंबा सेक्शन है गोठा नड़िया जो 8 किलोमीटर का सेक्शन है, राइट। अब 8 किलोमीटर के सेक्शन के अंदर मेरे को मेरे ऑप्टिकल लॉसेस भी चेक करने हैं। ऑप्टिकल लॉसेस मतलब उसके बीच में रेलटेल का जो फाइबर है वो रेलटेल के फाइबर में कितना ऑप्टिकल लॉस आता है। अब मेरा ऑर्डिन -2 dBm जितना पावर आउट करता है तो सामने कम से कम -15 या -10 तक तो पहुंचना चाहिए। अभी लो पावर भी ठीक नहीं है, हाई पावर भी ठीक नहीं है। अब छोटा सेक्शन है जैसे कि एक मेरा उत्तर संडा नड़िया बोरिया भी उत्तर संडा 3 किलोमीटर का सेक्शन, तो 3 किलोमीटर के सेक्शन में अगर आप -2 पावर दे रहे हैं तो वो सामने कम से कम -10 dB होना चाहिए, क्योंकि अगर -4 -5 भी अगर पहुंच रहा है
तो वो मेरा रिसीव पावर गड़बड़ हो जाएगा जो एसएफपी को खराब कर सकता है। इसलिए मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो 0 dB कनेक्टर्स यूज कर रहा हूँ या मेरे को वहां पे 0 dB यूज करना है या 10 dB यूज करना है, वो भी एक फैक्टर बनता है। ठीक है, अभी जो एसएफपी हमने चेंज की है वो एसएफपी चेंज करने का रीजन ये होता है कि पावर लॉसेस उसमें बढ़ गए होते हैं। ठीक है, या तो मतलब कि जो आउटपुट पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। अब जैसे कि एक फेलियर हमारा आया था आनंद और बोरियावी के बीच, तो आनंद में जो एसएफपी थी उसका आउटपुट पावर ही -22 dBm था। तो अगर मेरा आउटपुट पावर -22 dBm है, मैं 10 dB का पैड वहां पे मार रहा हूँ, एक 10 dB का पैड यहाँ जा रहा है, तो वहां तक तो मेरा पावर पहुंचते पहुंचते मतलब -35-36 के आसपास ही हो जाएगा। इसलिए मतलब कि मेरे एसएफपी का भी, मेरे को ट्रांस पावर भी देखना है, रिसीव पावर भी। ये कुछ चीजें होती है कि जब भी हमारे एसटीएम के फेलियर्स आते हैं तो हमको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ डाउट्स? चलो सर, आप बिल्कुल शांत बैठे। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रही है मीटिंग, बहुत ही बढ़िया। लेकिन और भी लोग ज्वाइन हो तो ज्यादा अच्छा है। इतना ही है सर, और तो मैंने सबको मैसेज तो दिए थे पर कोई आया नहीं। बिल्कुल अभी वासद सर, अभी वासद में भी एसएफपी आपने चेंज किया था जब मैं इरी सेट में था। हाँ, तो उसमें क्या इश्यू था सर? ओके, ये जो मैंने अभी आनंद बोरियावी वाला किस्सा बताया ना, वो एक्चुअली वासद रनौली के बीच में था। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब अच्छा, उस टाइम पे मैं किसी रीजन से छुट्टी पे था, शायद मेरी नानी की डेथ हो गई थी उस टाइम पर, उस वजह से मैं शायद छुट्टी पे था। तो मैंने योगेश जी को भेजा। अच्छा, अब फेलियर कैसे गड़बड़ होते हैं वो मैं आपको बताऊं। वहां पर हम रनौली के मक्स पे डाउट करते हैं, रनौली का नेम का ट्रेन चेंज कर दिया, रनौली का ट्रिप कार्ड चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, इवन आपके वासद का एसटीएम को भी रिसेट मार के देख लिया, आपके वासद के महफिल के भी निम कार और ट्रिम कार को चेंज करके देख लिया, रात भर बराबर चला, बट मॉर्निंग में वापस प्रॉब्लम आई। अब कहां गड़बड़ हुई मैं वो मैं आपको बताऊं कि मैंने योगेश जी को बोला था कि कार आप भले ही ले जाओ पर आप एक बार रनौली का और वासद के बीच का ऑप्टिकल पावर चेक कर लो। अभी वो शायद एनएमएस को हैंडल नहीं कर पाई या क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं उसमें उनकी गलती नहीं मानता हूँ, या तो शायद किसी रीजन में शायद वो अकेले थे और आप भी नहीं थे और लंबा पूरा सेक्शन था, मैं भी नहीं था, उसकी हड़बड़ाहट में शायद उनके ध्यान से निकल गया। बट ये एक सबसे बड़ी चूक हो गई कि उन्होंने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मतलब पावर कितना निकल गया। अभी जब ये इश्यू आया तो अगले दिन फिर बाद में मैं खुद वासद गया और एनएमएस लेके गया, वो मेरा जो लैपटॉप है एलसीडी लेके गया। अब एलसीडी लेके मैं वहां पे जैसे ही गया, सबसे पहले मैंने पावर चेक करने पे आपके वासद का आउटपुट पावर रनौली साइड का -22 dB मिलता था। ये जो अभी मैंने आनंद उत्तरसुंडा बोरियावी का बताया वो एक्चुअली वासद रनौली था -22 dB। और फिर बाद में जब मैंने आपके उसमें देखा, ये ओएफसी का जो टर्मिनेशन बॉक्स है तो वहां पर एक 10 dB का पैड मारा हुआ। अब सामने साइड हमारा मुर्गन था, मुर्गन भाई से मैंने पूछा भाई वहां पे क्या कंडीशन है, तो वो कह रहे हैं हाँ ट्रांस इसी बराबर आ रहा है। अभी ऑर्डिन का क्या है कि -36 dBm भी होगा ना तो रिसीव तो बताता रहे, बट लो पावर की वजह से आपके फेलियर आएंगे। मुर्गन भाई ने बताया साहब यहाँ रिसीव तो मिल रहा है। उसके बाद मैं रनौली एक्सेस नहीं कर पाया, टेस्ट रूम में उमेश था या जोशी भाई, नहीं उमेश तो शायद उस टाइम पे रीसेट में था, तो मेरे साथ था। हाँ, आपके साथ होंगे। तो उस टाइम पे फिर मैंने टेस्ट रूम में एलसीडी खोला, तो रनौली साइड में जो रिसीव पावर है वो लो रीडिंग बता रहा, बट नेचुरली अपने को फेलियर मिल गया। फेलियर कहाँ पे था, ये आपके एसएफपी में था। मैंने जैसे ही आपके वासद के एसएफपी को चेंज किया, आउटपुट पावर -2 हो गया, सारे सर्किट एकदम नॉर्मल हो गए। इसलिए कुछ चीजों तो क्या है कि अगर हम सिर्फ एनएमएस से ही थोड़ा एनालाइज करें ना फेलियर, तो वो एनएमएस के फेलियर से ही हमको आधी चीजें तो हमारे बैठे बैठे ही सब सॉल्व हो जाती है। बस ये चीज है कि हमको नब्ज पकड़नी है कि एग्जैक्ट गड़बड़ का हो।
हाँ प्रवीण कुछ कह रहे हैं चलो सर, आपको एक किस्सा याद हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बड़ी वो हुआ था, दोनों तरफ से रनौली को बाईपास करवाना पड़ रहा था। हाँ, दोनों तरफ से रनौली को बाईपास कराना पड़ा। हाँ, और कई बार एक तरफ से थ्रू कर देते थे तो चल जाता था, और कई बार दोनों तरफ से करवाना पड़ रहा था, इसलिए 100% प्रॉब्लम रनौली का वो कर रहे थे कि रनौली में प्रॉब्लम काफी लंबा चला था, वो करते वाला करते। लेकिन ये जो वाघेला जी बोल रहे हैं ना मोटर बोटिंग टाइप जो आता है ना, आपका इस टाइम पे क्या होता है मस्त में फ्लिकरिंग होता है, वो सर क्लॉक की वजह से ही है, वो बर, बर जो है ना, हाँ बर आते थे वो क्लॉक की वजह से ही। और उस टाइम पे जो आपके प्रताप नगर वाला एसटीएम था ना, वो प्रताप नगर वाले एसटीएम का एक्सटर्नल क्लॉक फेल था। बराबर। हाँ, तो मैंने वो एक्सटर्नल क्लॉक को जिस टाइम पे डिसेबल किया और आनंद से सब इक्विपमेंट्स को मैंने क्लॉक दिया ना, वो सारा सिस्टम एकदम नॉर्मल हो गया। अपने प्रीडिंग मक्स लेवल पे बात करें तो बर जब भी आएंगे ना तो मक्स क्या करेगा, लिंकअप लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, तो क्या है कि आपको मोटर बोटिंग टाइप लगेगा, बोटिंग है जैसे आप बोल रहे थे उस टाइप, है ना। लेकिन हायर मक्स से यूटीएस वगैरह की इवन अपन चेक करें तो मालूम पड़े उसमें मीटर लगा के इसमें भी बर है या नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही है। एक्चुअली मैं खुद इस चीज पे ज्यादा भार देता हूँ कि जब भी हमें इवन लेवल पे डाउट हो रहा है ना, तो इवन लेवल के फेलियर्स को सबसे पहले तो हमें एसडीए चैनलाइजर से चेक करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये है ना, इस बात पे सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इवन मीटर्स हमारे पास है, पहली चीज तो हम जितने भी एसएससीज हैं कम से कम हम एसएससीज को तो इवन मीटर का यूज करते आना ही चाहिए, ठीक है ना, आना ही चाहिए। हाँ, हर एक के पास में एसडीएच मीटर होना ही चाहिए, बिल्कुल। मतलब जो कम से कम जो फील्ड एसएससीज है, फील्ड एसएससीज से मेरा मतलब है कि मतलब जिनका यूएफसी से एक लार्ज स्कोप है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एसएससी दिल्ली आनंद हो गए, एक आप हो गए, एक भरूच हो गया, फिर बाद में एक गोधरा हो गए, मतलब कम से कम जो मेजर लोकेशंस हैं वहां पर तो इवन एनालाइजर होना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इवन एनालाइजर सिर्फ एसएससी ही नहीं, कम से कम किसी टीसीएम को भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में ये है कि हमारे टीसीएम को पता ही नहीं होता कि हम इवन को कैसे काटें। अभी उसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी का एक प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आनंद से लेके गोधरा गैरतपुर तक जो आपके एसटीएम का वायरिंग है उसमें कैसा है, पहले 16 ट्रांस है डीडीएफ पे, बाद के 16 रिसीव है, ठीक है। अभी नहीं नहीं नहीं, चार ट्रांस है, चार नहीं है सर, ऐसा नहीं है, चार ट्रांस चार रिसीव, चार ट्रांस और चार रिसीव, चार रिसीव। ओके प्रवीण दे रहे हो आपके सर, बिल्कुल ऐसे, पहले चार ट्रांस है और दूसरे चार रिसीव है। ओके गोरसे सर, सिमिलर सब जगह ऐसे, पहले चार ट्रांस फिर चार रिसीव, फिर चार ट्रांस फिर चार रिसीव है। ओके मतलब ये ऑर्डिंग की बात हो रही है, किताब में अभी अभी जो मेन लाइन फिलहाल में ऑर्डिंग की बात कर रहा हूँ सर। ओके सर, फिलहाल तो मैं ऑर्डिंग की बात कर रहा हूँ सर, मतलब मैंने सब जगह चार 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 चार, तो उसकी जो वायरिंग है वो आनंद से गोधरा तक सेम है। मतलब कि ये हमारे कम से कम टीसीएम को ही पता नहीं है कि मतलब कौन सी इवन काटनी है। अभी दो तीन जगह पर कैसा हुआ कि जब मैंने इवन काटने को बोला तो इवन काटने पे क्या किया, जैसे आपके चार ट्रांस चार रिसीव है ना, तो उन्होंने पहली दूसरी इवन के ट्रांस काट दिए, रिसीव छोड़ दिए, बिल्कुल है ना। और उस केस में आपका कोई भी सर्किट चालू हो नहीं रहे। अच्छा, अभी हम सब में ये सबसे अच्छी बात है कि कम से कम हम
ये चीज पता कर लेते हैं वेफिल के इंडिकेशंस को चेक करके, कि अगर वेफिल में क्या इंडिकेशन आ रहा है उसके बेसिस पर भी हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई फेलियर एग्जैक्टली कहाँ पर आता है। जैसे ही हम सिर्फ ट्रांस काटते हैं वैसे टीएफ टीबीएफ का एरर आ जाता है, तो हम वो टीसीएम को उसी जगह से पकड़ लेते हैं कि भैया तूने दोनों ट्रांस काट दी, दोनों ट्रांस काट दी। इसलिए हमारे टीसीएम को तो पहले ये चीज ही बताने की जरूरत है कि भैया तुमको क्या काटने का, तुमको क्या लूप कर देगा, ये चीज ही बताने की जरूरत है। हमेशा जब भी लूप करना बताना होता है कि उनको डिटेल में बताना पड़ता है, ये कैसे डालो, ट्रांस में डालो, रिसीव में डालो, ना इतना सब नहीं होना चाहिए, होगा तो प्रॉब्लम। तो उनको तो इवन लूप करने का तुरंत ही लूप कर देना चाहिए, पर वो होता नहीं है। और एसडीएच लेवल पे तो जैसे बड़ौदा गैरतपुर कंफर्म है कि ये पोर्ट वन आपका अहमदाबाद साइड है, पोर्ट टू बड़ौदा साइड है, लेकिन उसकी जो इवन कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी डाउटफुल है। इवन कनेक्टिविटी इवन में ऐसा है सर, इवन में ऐसा है जो एक नंबर की इवन है वो, मतलब जो ऑड ऑड इवन है वो ऑड इवन सारी बड़ौदा साइड है, और इवन इवन है वो सारी उस साइड है अहमदाबाद साइड। वो सोमा मैडम के कार्यकाल के दौरान भी मैंने प्रवीण, उस टाइम पे टेस्ट रूम में था प्रवीण, को ये चीज याद होगी कि मैंने उनको बोला था कि अगर आपको ये जो गड़बड़ को भी अगर सॉल्व करना है तो बहुत इजी है, मेरे को सिर्फ एनएमएस पे बैठ के सिर्फ उनके केएलएम ही चेंज करना है। अपन अभी ये कर देते हैं लॉकडाउन के बाद में। दरअसल एसडीएच में पोर्ट वन जब आपका अहमदाबाद साइड है तो एक नंबर की इवन आपकी अहमदाबाद साइड ही होना चाहिए, सही बात। दो नंबर की क्यों होना चाहिए? तो गोधरा आनंद में ऐसा ही है, गोधरा आनंद में ऐसा ही है, गोधरा आनंद में एक नंबर की मतलब ऑड इवन आपकी सारी आनंद साइड में, और जो इवन है वो इवन जो मतलब एक ही संख्या है, एक ही संख्या आपकी आनंद साइड है और एक ही संख्या आपकी गोधरा साइड है, सब जगह पर है वहां पर ऐसा। इवन आनंद गोधरा वासठ कठाना में भी ऐसा है। बस ये गड़बड़ क्या है कि इनिशियली जो इंस्टॉलेशन हो गया वो उसी चक्कर में ये सब गड़बड़ हो गई। मैं खुद कई बार कटवाने में जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक नंबर कटवाऊं या दो नंबर कटवाऊं, वो करना पड़ेगा। सही बात। और किसी सिंगल फाइबर का आपने अच्छा बताया, जब भी ये मान लीजिए कि पूरा केबल कट हो गया था दोनों फाइबर, तो लोकलाइज करना आसान होता है बिल्कुल, है ना। सिंगल फाइबर में क्या होता है, तो हमारा पीडी मक्स का एनएमएस वर्क नहीं करता है जब तक आपकी वो स्टार्ट हो गई, है ना। जब भी एक फाइबर कटता है तो वो पहली प्रॉब्लम आ जाती है। हम यूपीएस टीआरएस वाला अपना एनएमएस चेक करते हैं तो उसमें कौन सी इवन बंद हुई है तो वो कंफर्म होता है। प्लस कई बार ये ऑटो टेलीफोन का आप बोल रहे हो ना, तो ऑटो टेलीफोन भी अभी अभी ये रिसेंटली फेल्योर में तो क्या हुआ, मेरे ख्याल से लॉकडाउन में उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। नहीं, मैं उस टाइम पे वडोद में था, मैं उस टाइम पे वडोद में था टेस्ट रूम में, जो ये मीना था टेस्ट रूम में उस टाइम पे, और मैंने मीना को बोला तो रिंग मार, रिंग आई नहीं, बैटरी मिल रही थी मेरे, इसलिए फिर बाद में मैंने आपको फोन करके बोला था कि आप एक बार वो फॉल्टी है, फॉल्टी भी रिमोट है, रिमोट भी टेबल चेक करवाइए। एक की खाली मैंने आपको बताया था वासत की, शायद एक बड़ा पीस टेबल गलत निकली थी, सिंगल फाइबर में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुषार भाई आवाज सुन रहे हो मेरी? हाँ सर, तुषार मजा आ रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बैठा आराम से। नहीं सुन रहा हूँ सर आपके। हाँ हाँ हाँ, जब तक फील्ड का जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक बेचारा क्या बोलेगा वो। हाँ नहीं बोलना चाहिए कम से कम, बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ सर, आ रही है आपकी आवाज। बराबर, नहीं आया की रात में कुछ कंफ्यूजन हो ना तो बीच में रोक के थोड़ा सा डिटेल में सोहेल साहब बहुत अच्छा समझा सकते हैं। बिल्कुल हाँ सर, ये अभी अच्छा मौका है। हाँ कंटिन्यू कीजिए सोहेल साहब, बिल्कुल आपके जो जो सब्जेक्ट है ना लेते रहिए प्लीज। ओके, और कुछ डाउट है अभी एग्जैक्टली? हम मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में सेहरा साहब ने बोला था कि कोई टॉपिक लेना है, इसलिए ये एक ताज़ा इंसिडेंट था जिसको हम सब ने मिलकर टैकल किया था, इसलिए मैं
आप सबको जो हमारे NMS है उसकी उससे किस तरीके से हम फेलियर रेक्टिफाई कर सकते हैं वो चीज आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंटली हम काम करते हैं। अभी जैसे बड़ोद आनंद के अलावा एक आनंद और विद्यानगर के बीच में एक फाइबर का प्रॉब्लम है। आनंद और विद्यानगर के बीच में फाइबर के प्रॉब्लम में क्या क्या इश्यू हुआ? अब देखिए मैं वापस से आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है ना? एक मिनट। अच्छा, आपको ये हमारा NMS दिख रहा होगा, ये हमारा UTS का NMS है जो अभी हमारी स्क्रीन पर है। आप सबको दिख रहा है? प्लीज आया ना बोले। अच्छा दिख रहा है। अभी देखिए एक हमारी खंबात बोचासन की UTS की चैनल डाउन है, ठीक है? ये रेड कलर की खंबात और बोचासन, फाइन। अभी एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ? ओके, अभी उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ये खंबात और बोचासन की हमारी BSNL की चैनल है, अब फॉर व्हाटएवर रीजन ये डाउन है। अभी हमारी आनंद और विद्यानगर के बीच की ये जो UTS की चैनल है, आनंद और विद्यानगर के बीच में फाइबर का इश्यू हुआ, जिसकी वजह से हमारा खंबात, पिटलाद और विद्यानगर ये तीनों के तीनों राउटर हमारे डाउन है, ठीक है? अभी क्योंकि ये प्रोटेक्शन पाथ हमारा नहीं चल रहा था और आनंद विद्यानगर के बीच में फाइबर हमारा कट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि सबसे पहला तो हमारा पिटलाद और पिटलाद में और खंबात के अंदर वेबफिल का मकसद उसके वोल्टेज मिलना बंद हो गए, ठीक है? बिल्कुल। अब दूसरा किस्सा, क्योंकि बोचासन और खंबात का UTS चैनल डाउन था, उसकी वजह से फाइबर कटने की वजह से हमारे जितने विद्यानगर, पिटलाद और खंबात के राउटर थे वो प्रोटेक्शन पाथ पे आ नहीं पाए, इसलिए खंबात, पिटलाद, विद्यानगर तीनों राउटर हमारे डाउन हो गए। हमको क्या डाउट हुआ कि शायद हमारी विद्यानगर की जो बैटरी है वो रन डाउन हो गई, क्योंकि बोचासन और खंबात का मेरे दिमाग में नहीं आया कि बोचासन और खंबात का BSNL का चैनल डाउन, वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। इसलिए मतलब कि मेरी, मैं डर गया कि मतलब यार ये तो विद्यानगर की बैटरी डाउन हो गई। अब विद्यानगर है नॉन आगी एरिया, वहाँ जनरेटर भी नहीं है, 230 की सप्लाई नहीं है, अभी रूम बंद, इलेक्ट्रिकल वालों को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने वहाँ पे स्टाफ को भेजा। अच्छा, अभी एग्जैक्ट फेलियर हमको कैसे पता चला कि मैंने क्या किया कि खान साहब को फोन किया और खान साहब को फोन करके मैंने उस टाइम पे टेस्ट रूम में ड्यूटी में वो थे और मैंने उनको पूछा कि कौन से UTS की चैनल डाउन। उन्होंने सबसे पहला बोला कि आनंद विद्यानगर डाउन है, आनंद पिटलाद डाउन है, बोरियावी खंबात डाउन है, लास्ट में उन्होंने बोचासन और खंबात बोला लास्ट में। पर जैसे उन्होंने बोचासन खंबात बोला वैसे ही अपने दिमाग में आ गया कि हाँ भाई प्रोटेक्शन पार्ट डाउन है, इसकी वजह से खंबात, पिटलाद और विद्यानगर का राउटर हमको नहीं मिलेगा। इसके लिए जैसे ही मेरा स्टाफ वहां पे पहुंचा, विद्यानगर पहुंचा, उसने देख लिया कि हाँ भाई बैटरी का कोई इशू नहीं है, बैटरी बढ़िया 52 वोल्ट मिल रहा था और चार्जर भी सब ओके था और कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं था, बस विद्यानगर में आनंद साइड का रिसीव नहीं मिल रहा और आनंद में विद्यानगर साइड का ट्रांसरिसीव दोनों बराबर मिल रहा, इसलिए हमको पता चल गया कि हाँ भाई एक सिंगल फाइबर का इशू है। तो वैसे ही हमने रेलटेल वाले को बुलाया और रेलटेल वाले से कोऑर्डिनेट करके विद्यानगर और आनंद के बीच में एक स्पेयर फाइबर को हमने डाइवर्ट कर दिया, फिर हमारा सारा का सारा सिस्टम चालू हो गया, ठीक है? मतलब NMS को जांचने पर मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं, अब देखिए हमारे ऑफिस में भी आज की तारीख में रेलनेट कनेक्शंस आ गए, ठीक है ना? और जैसे मुझे दूसरों का तो पता नहीं है, बट मैंने खुद ने क्या कर रखा है कि मेरे ऑफिस का जो PC है वो मैं चालू रखता हूँ और मेरे घर से मेरे ऑफिस के कंप्यूटर को मैं टीम व्यूअर या एनी डेस्क से एक्सेस करके जो भी मेरे को काम करना हो तो मैं कर लेता हूँ। अब
बाकी लोगों ने क्या सेटिंग कर रखा है वो मुझे पता नहीं है, पर कुछ भी ऐसा फाइबर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो मैं टेस्ट रूम से पूछे बिना सिंपली अच्छा अभी आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन मैं मेरे ऑफिस के कंप्यूटर को एनी डेस्क से एक्सेस कर रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस का कंप्यूटर है और मैं ऑफिस के कंप्यूटर को एनी डेस्क से एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि जब भी मुझे कोई इश्यू आता है, अब जैसे ये तो मैंने चलो देख लिया यूटीएस का, अब समझिए कि मेरे को वॉइस का देख लिया, तो 10.3.2.3 बिल्कुल हमारा पूरा वॉइस का नेटवर्क है, इसलिए मैं मेरे घर पे बैठ के वॉइस के नेटवर्क को भी ट्रैक कर सकता हूँ और साथ ही साथ में मैं मेरे यूटीएस के नेटवर्क को भी मॉनिटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि क्योंकि मेरे पास ये जितने भी एनएमएस है वो हैंडी है, इसलिए मैं इन सभी एनएमएस को ट्रेस आउट करके इन सभी एनएमएस को वो स्टडी करके फेलियर का हम एनालिसिस तुरंत लगा सकते हैं। इसलिए ये चीज क्या है कि अपने को बहुत यूजफुल है, इसलिए अगर कोई भी फेलियर रहता है तो वेबफील्ड के एनएमएस पे के साथ साथ आप है ना वॉइस के यूटीएस के एनएमएस को भी स्टडी करवाइए टेस्ट रूम से, ताकि हमको ये पता चले। तुषार कुछ पूछना है, कुछ चुपचाप बैठा हुआ है कब से? नहीं सर। देख दो कंडीशन में कोई डाउट नहीं होते, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप बता रहे हो वो सुन रहा हूँ सर, फेलियर करो सब। हाँ नहीं, ये दो कंडीशन होती है जिसमें कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होता, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। सर ने काफी अच्छा लिया, लगभग 3 महीने में इतना अच्छा गलती हो जाए ना तो टेंशन नहीं लेने का, हम बचाने के लिए बैठे हुए। चलिए सर और कुछ हम इसको रैप अप करें। एक क्वेश्चन मेरा बाकी है। हाँ मैं बोलिए। हाँ करीब सर 6 महीने पहले एक फेलियर आया था यार्ड में। हाँ सब बोल रहे थे कि हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, हीटिंग का इशू आ रहा है, हीटिंग का इशू आ रहा है। हाँ बट एक्चुअली में क्या होता था, हम उसको रीसेट करते थे वो चालू हो जाता था, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। बाजवा से और यार्ड के बीच में एक फाइस का इवन था, हाँ 5 या 6 नंबर का इवन है। हाँ वो इवन कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ उसकी वजह से पूरा सिस्टम हैंग हो रहा था। हाँ ये याद है मुझे, ये किस्सा याद है। इसमें अपन ऐसा फेलियर क्यों होता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपने इवन बराबर, आपका सिस्टम बराबर चल रहा है, सिस्टम बराबर चल रहा है, राउटर भी ओके दिखा रहा है, फिर भी वो फेलियर क्यों हो रहा है इवन का? मैं ये इस किस्से का बैकग्राउंड पहले मैं सबको बता देता हूँ, क्योंकि शायद ये फेलियर सबको नहीं पता होगा। ओके, ये फेलियर क्या होता था कि रात के 12 बजे, एग्जैक्ट रात के 12 या 12:30 बजे के आसपास ये प्रॉब्लम आता था कि बड़ौदा यार्ड का जो इक्विपमेंट था उसको वो हैंग हो गया, ऐसा रिपोर्ट किया जाता। अब उस टाइम पे ऐसा एक बार हुआ, ऐसा दो बार हुआ, तीसरी चौथी बार भी अगर जब ऐसा हुआ तो मतलब कि ये सबको डाउट हुआ कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी हम सब इस चीज पे डाउट कर रहे थे कि हीटिंग की वजह से,
पर मैं ये फेलियर पकड़ में कैसे आया था वो जरा एक बार डिस्कस करना। हाँ ये फेलियर एक्चुअली सर क्या था, हम लोग तो जाते थे नॉर्मली सब ओके था, जाते थे और इंसर्ट करके चालू हो गया क्योंकि पुटराइट करना है पुटराइट करना है। हमारे एक एक्सपीरियंस बंदे हैं जो रवि काका रिटायर हो गए, उन्होंने बताया है ना, उन्होंने बताया कि साहब ऐसा नहीं है, मैं एक बार गया था और मैंने सिर्फ बाजवा साइड का ह्यूमन मॉडम बंद किया और वो मॉडम बंद से ही नॉर्मल हो गया। तो वो उन्होंने हमसे शेयर कब किया काफी टाइम बाद, जब समझ में नहीं आया किसी को, उनको पता था या शायद उनसे मिस हो गया, एक बार फिर दोबारा उनको अकेले में लेके गया। मैं कहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एनालाइज करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर डिसाइड करेंगे। उन्होंने बताया सर ये करके देखिए एक बार हो जाएगा, उनको ट्राई किया और पकड़ में आ गया कि ये पर्टिकुलर इवन प्रॉब्लम कर रही है, उसके बंद होते साथ नॉर्मल हो जाता था। हमने शायद वो इवन भी चेंज किया था है ना, बाजवा और ऑनली ये बाजवा और यार के बीच का इवन भी चेंज किया था। इवन सर वही इवन चेंज नहीं किया था, कुछ शायद उसको रीप्रोग्राम किया होगा आपने, इवन तो हमने चेंज नहीं किया फिजिकली उसको। कल वो यहां से आया सर। हां अभी उस केस में क्या होता था कि रात के एग्जैक्ट 12:30 बजे के आसपास ही ये प्रॉब्लम आता था, तो ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्न पेयर था, जो इधर यार्ड साइड का जो मॉडर्न पेयर था राउटर और इवन के ये एसटीएम के बीच में, वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। अच्छा वो भी कहाँ गड़बड़ कर रहा था, उसकी क्लॉक में वो गड़बड़ कर रहा था, फिर शायद संजीव ने आके उसका क्लॉक चेंज किया था, ऐसा कुछ था ना कि मॉडर्न पेयर ही चेंज कर दिया था। मॉडर्न चेंज किया गया था उसका, मॉडर्न पेयर ही चेंज कर दिए थे ना, तो वो टीम लिंक कंपनी के मॉडर्न थे है ना, टीम इंजीनियर कंपनी के मॉडर्न थे, और वो मॉडर्न को जैसे ही रिप्लेस किया वो प्रॉब्लम फिर आज दिन तक ऊपर वाले की मेहरबानी से आज तक नहीं आया। तो कभी कभार जो मॉडर्न्स हैं, अभी ये जहां तक ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शायद इंटरनली क्लॉक का ही प्रॉब्लम होना चाहिए, बट ये चीज एक डिस्कशन का इश्यू है कि एक इवन की वजह से पूरा मतलब एक 2 MB की वजह से पूरा 155 Mbps का सर्किट क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डाउन हो रहा है। हाँ इसलिए ये चीज है ना, मतलब हमें और भी किसी से डिस्कस करने जैसा है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये और भी हम किसी से डिस्कस करें, और नेक्स्ट सेशन शायद गोर्सी सर लेने वाले हैं या संजीव लेने वाला है, उस टाइम पे हम ये फेलियर संजीव के साथ एक बार डिस्कस करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों आया। Well, sir, ऐसी प्रॉब्लम UTS QRS में कई बार आती है, गोधरा में एक दो बार पक्का हुआ ही है, UTS जो है स्लो चल रहे हैं बराबर, फिर मनीष बात बोले उस तरफ प्रॉब्लम है वो इवन कार्ड दो है ना, तो गोधरा दाहो तो सर वो तो रिलायबिलिटी वाला इश्यू है वो। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, आप क्या है कि आप एक इवन की वजह से राउटर में प्रॉब्लम हो रहा है वो आप उसकी बात कर, पर अच्छा। यहाँ तो इवन की वजह से पूरा एसटीएम हैंग होता था। अच्छा 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 हाँ पूरे एसटीएम में इशू आता था, जैसे आपका एक वो जो बाजवा और बड़ौदा यार्ड का जो इवन था ना मॉडर्न, वो मॉडर्न को आप रीसेट मारते थे ना तो तब जाके एसटीएम नॉर्मल होता, और वो एक इवन है ना पूरे एसटीएम को गड़बड़ करता था। बिल्कुल बिल्कुल उसकी इवन को इवन मीटर में लगा के नहीं चेक कर सकते। अरे वो मॉडेम पेयर को ही रिप्लेस किया ना, उसके बाद ये नॉर्मल हुआ, और ये चीज तो वो रवि काका ने ये चीज हमसे शेयर किया कि ऐसा होता था और नॉर्मल हो जाता था, बाकी उस टाइम पे तो हम हवा में हाथ पैर मार रहे थे कि ये चीज को समझ में नहीं आ रहा। हाँ अभी मेरे को उस टाइम पे मुझे याद है कि मिस्त्री साहब तो ऐसा बोले तुम पूरे इक्विपमेंट चेंज कर दो, अब फिर मुझे लास्ट ऑप्शन यही लगा कि यार अब तो इक्विपमेंट चेंज करना ही पड़ेगा, और उतने ही उसी टाइम में ये मयंक ने मेरे को खुशखबरी सुना दी कि सर वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से भी नॉर्मल। नॉर्मली क्या इस समय एनालाइज में टाइम लगता है एक चीज, और हमारे ऊपर स्टार्टअप ऐसा था फेलियर राइट करो राइट करो राइट करो
बिल्कुल कहीं पे ऐसा हम लोग ध्यान ये चीजें एनालाइज करना भूल जाते हैं कि आरएनडी इसमें सर टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। नहीं, मेरा पर्सनली मानना है कि जितने एक्सपेरिमेंट करो ना वो फेलियर के टाइम पे ही एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं वो, क्योंकि नॉर्मल टाइम में हमको एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करते थे। हाँ ये चीज है कि हम जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं ना तो कितनी बार ऐसा होता है कि फेलियर टाइम थोड़ा लंबा खींच जाता है। उस केस में फिर बाद में जैसे चावला सर हमारे साथ है, टेस्ट रूम को भी जवाब देना थोड़ा भारी पड़ जाता है, बिकॉज टेस्ट रूम है ना हमारे और प्रशासन के बीच में ब्रिज, इसलिए कोई भी क्वेश्चन उठता है वो सबसे पहले टेस्ट रूम पे उठता है, टेस्ट रूम से सवाल जवाब किए जाते हैं। अब बाद में टेस्ट रूम को क्या करना है कि फेलियर को छुपाना भी है, और छुपाने से मेरा मतलब है कि उसका फेलियर टाइम कम भी करना है और हम लोगों को भी बचाना है। देने का बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट याद है कि प्रवीण टेस्ट में था और मैंने उसको बोला था बचा लेना भाई और इवन आज की तारीख में मैं चावला सर को भी बोलता हूँ कि सर देख लेना बचा लेना। तो मतलब कि टेस्ट रूम हम लोगों की बहुत हेल्प करता है, खास करके फील्ड वालों की, कि जैसे कुछ चीजें हमारे लेवल पे भी लेथार्जिक हो जाती है, हम लेट से पहुंचते हैं, ठीक है ना, हम लेट से पहुंचते हैं, हमारे पास पहुंचने के संसाधन नहीं है। का इंडिकेशन क्या है, उसका नेचर किस टाइप का है, फिर अपन उसका जवाब दूसरे तरीके से दें। दोनों का लिंक है ना कि भाई ये नेचर था फेलियर तो ये ऐसा हो सकता है, फिर हम कुछ और उसका बताएं तो वो ठीक नहीं। और जब कंट्रोलर का इतना प्रेशर रहता है कि बस ये बंद हो गया तो बस उसको तुरंत जादू कर दो, चालू कर दो, 10 मिनट से हो गए ना, 20 मिनट हो गए, ऐसा है। और हमको आपके साथ में कोऑर्डिनेशन है ना, आपके साथ में भी, साथ में भी इसलिए थोड़ा सा कभी और कुछ है सब्जेक्ट बाकी भाई। हाँ वांगला भाई, और कुछ डिस्कशन? सर एक्चुअली क्या है कि जब फेलियर आता है तो कंट्रोलर बोलता है कि पुट राइट जल्दी करो, पुट राइट जल्दी करो, लेकिन एज पर टेलीकॉम मैनुअल अपने को कुछ टाइमिंग तो मिलता होगा ना। बिल्कुल लाइक जमुना दास बोल रहे थे कि 20 मिनट का हमको टाइमिंग मिलता है टेस्टिंग और पुट राइट और मतलब रेक्टिफाई करने के लिए। नहीं बेसिकली तो सर अपने को मिलता है ना। नहीं वागला भाई, एक्चुअली बेसिक मैं आपको एक इंसिडेंट याद करवाता हूँ, शायद ये इंसिडेंट उस टाइम प्रवीण टेस्ट रूम में था, उसको ज्यादा ठीक से याद होगा कि मियां गांव का कोई फेलियर था और मियां गांव के फेलियर को जीएम में डाला गया और उस टाइम पे सिद्दीकी साहब थे। तो सिद्दीकी साहब ने ये पहली चीज तो ये हमको टेस्ट रूम को पूछवाया कि उस टाइम पे उसका ऑटोफोन बंद था उसका कोई फेलियर, VHF बंद था उसका कोई फेलियर, ब्लॉक फोन बंद था उसका कोई फेलियर, BSNL बंद था उसका कोई फेलियर, VHF बंद था उसका कोई फेलियर। अब वहां पे जब कंट्रोल फोन के अलावा उसके उस बंदे के पास, वहां के स्टेशन मास्टर के पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो सिर्फ ट्रेन मूवमेंट करने के लिए किसी और भी कम्युनिकेशन का सहारा ले सकता था। अभी जब तक सेवन ऑर्डर हाँ, मतलब जब तक मेरा स्टाफ किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे नहीं पहुंचता, अभी फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन से मियागाम पहुंचने में भरूच के स्टाफ को कुछ पौना घंटा जितना लग गया और उस पौने घंटे को कंट्रोलर ने जीएम में डाल दिया। तो सिद्दीकी साहब ने यही बोला कि भैया तुम आदमी को पहुंचने दोगे, पहुंचने देने के बाद भी कम से कम 15 या 20 मिनट तो मिलने चाहिए। बंदा जब हाजिर हो गया, टेस्ट रूम को उसने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया मैं साइट पर आ गया हूँ और अब मैं चेक कर रहा हूँ, उसके बाद से 15 या 20 मिनट हमको मिलना चाहिए। तो यही चीज की फाइट है कि जब तक आप स्टाफ वो अच्छा पहली चीज कंट्रोलर अपने को गाड़ियां देता है, हमको इधर बाय रोड जाना पड़ता है या कोई भी दूसरा रेलवे व्हीकल लेके जाना पड़ता है, रेलवे व्हीकल तो आजकल हमारे पास है नहीं, बाय रोड ही जाना पड़ता है। तो हमको ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो सिद्दीकी साहब का यही कहना था कि भैया आदमी पहुंचा नहीं, उसके बावजूद तुमने मतलब 45 मिनट जीएम में क्यों डाला। और मुझे याद है टेस्ट रूम से ये सब फिगर लेके वो सीनियर डीएम के साथ उन्होंने झगड़ा किया था। इसलिए ये एक चीज है कि मतलब हमारे पास एक वो होना चाहिए कि ये हमें कुछ टाइम मिलना चाहिए,
कि साइट पे पहुंचने के बाद हमको कम से कम 10 से 15 मिनट मिलने चाहिए फॉल्ट रेक्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि इतना तो मिनिमम टाइम तो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, टेस्ट रूम के अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो चावला साहब ज्यादा ठीक तरीके से समझ सकते हैं। प्रवीण वहाँ पे रह चुका है टेस्ट रूम में, आप भी रह चुके हैं वाघेला भाई, आप भी जानते हैं कि टेस्ट रूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी क्या लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ ही मिलकर चलना पड़ेगा इसमें, बस यही एक ऑप्शन है, और कुछ नहीं। और कुछ प्रवीण? सर ठीक है, मयंक? नहीं सर, ऑल डन। ओके, तुषार? नहीं सर। और गोसे भाई? ठीक है सर। ये अरविंद है ना, वीवो है ना? ओके अरविंद, तेरे को सब समझ में आया? गोसे साहब आप शायद विदाउट वीडियो आए हैं, गोसे साहब देख नहीं रहे? नहीं नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है। संजय तेरा वीडियो नहीं आ रहा है? सर मैं गेस्ट में हूँ, इसलिए बैकग्राउंड में हूँ। सर भाई शक्ल दिखा लो, शक्ल दिखाओ। निलेश का भी वीडियो नहीं आ रहा। ओके संजय, कुछ डाउट्स? नहीं नहीं सर। अच्छा चलिए एंड करें सर। यस सर, यस सर। मैं कोशिश करता हूँ इसका जो ये जो हमने मीटिंग किया इसका वीडियो मैं कहीं पे शेयर कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, कर रहा हूँ। ओके चलिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बाय सर, थैंक यू सर। ओके सभी को खुशी रहने के लिए शुभकामना, और जल्दी से जल्दी हमारा लॉकडाउन खुले, रेलवे के लिए भागदौड़ी करें ताकि प्रसन्न रहे, भागदौड़ी के जो मजे हैं ये सही बात है, सही बात है। सर लॉकडाउन तो सर खुल जाएगा, लॉकडाउन तो खुल जाएगा सर, लॉकडाउन से पहले जरूरत है कि सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन खुले और सब कुछ ठीक भी हो जाए, भागा दौड़ी कर सके। चलिए सर एंड करते हैं ना। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।